हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी होम कुकिंग लाइफ में। आज की रेसिपी देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम बना रहे हैं सभी के फेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी। आज हम मावा के गुलाब जामुन बना रहे हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं और ये बनने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने 400 ग्राम इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद में हम इसमें 1.5 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है और 1/2 कप और डाल रही हूँ इसमें। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से चला लेंगे एक बार। और चीनी हमारी जो है अच्छे से घुलने तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारी चीनी जो है अच्छे से घुल गई है, इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी नहीं बची है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची को कूट करके मैं साबुत डाल रही हूँ इसमें। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है गुलाब जामुन में, आप इसे ज़रूर डालें। इसी के साथ में मैं इसमें यहाँ पर केसर डाल रही हूँ। तो चीनी अच्छे से घुलने के बाद में मैंने इसे 2 मिनट तक और पका लिया है। 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पर गैस पर बंद कर दिया है और इसे साइड में रख लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से ढक करके रख दिया है ताकि इसके भाप है जो वो भी निकलती रहे बाहर। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक थाली के अंदर यहाँ पर मैंने मावा ले लिया है जिसे हम खोया बोलते हैं। तो ये 250 ग्राम मावा है, इसे हम हाथ की मदद से अच्छे से तोड़ लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से तोड़ लिया है और अब हम इसे अच्छे से मसलेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट करना है मावा को हमें। तो ये देखिए, हथेली की सहायता से इस तरीके से इसे अच्छे से मसल लेंगे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक। थोड़ा सा यहाँ पे चिपकता है बर्तन के अंदर, तो बाद में हम इसमें मैदा डालेंगे हम इसमें, तो बाद में इतना नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है हाथ की मदद से। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में, अच्छे से मसल लेंगे इसे। और हमारा गुलाब जामुन का जो डो है ये अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारे गुलाब जामुन जो है अच्छे से बनेंगे। तो ये देखिए, हमारा डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है बर्तन के अंदर। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1 चुटकी के करीब में, यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है, यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं डालना है। और इसे अच्छे से मसल लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है इसके साथ में। तो आप देख सकते हो हमारा जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, गुलाब जामुन के लिए वे परफेक्ट है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से गुलाब जामुन बना लेंगे। आप आपके हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें गोल गोल बनाना है। ये देखिए बिल्कुल कितना गोल गोल हमारा गुलाब जामुन बना है। तो इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है प्लेट में। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसके गोल गोल इस तरीके से हाथ में इस तरीके से करना है, आप देख सकते हो वीडियो में। और अच्छे से गोल गोल गुलाब जामुन बनाना है हमें। बिल्कुल भी गुलाब जामुन में दरार नहीं होनी चाहिए, वरना ये अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर इनको फ्राई करते टाइम ये अलग बिखर जाएंगे। तो ये हमें अच्छे से बनाना है, इसे बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है ये, आप देख सकते हो कितने जल्दी बन रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। बिल्कुल इजी रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर और झटपट बन तैयार हो जाते हैं।
आप देख सकते हो 6 गुलाब जामुन बना लिया है और अब हम बाकी के गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन जो है बना करके तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है, घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म घी नहीं होना चाहिए हमारा, घी गर्म होने के बाद में गैस को बिल्कुल लो कर देना है वरना हमारे गुलाब जामुन जो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले एक बना करके देखती हूँ ये अच्छे से बन जाता है क्या। तो अब इस तरीके से ऊपर घी डालेंगे हम इसके ऊपर और अच्छे से पलटते पलटते इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए आप देख सकते हो गुलाब जामुन का कलर चेंज हो गया है और कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो ये हमारा एक गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए कढ़ाई के ऊपर रोक कर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी है वो नीचे चला जाएगा। और अब मैंने इसे डायरेक्ट चाशनी में डाल दिया है और अब हम बाकी के गुलाब जामुन बना लेंगे सेम तरीके से। घी हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म घी चाहिए हमें। गैस को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो एक बार में मैंने इसमें 12 गुलाब जामुन डाल दिए हैं, आप आपके हिसाब से जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने ही डालें। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से इसे पलट देंगे हल्का सा नीचे से कलर चेंज होने के बाद में। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है गुलाब जामुन के ऊपर। इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। घी के अंदर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप चाहो तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो। सेम तरीके से तेल को भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बस हल्का सा गर्म करके इस गुलाब जामुन डालना है उसमें भी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आप देख सकते हो इसी तरीके से मैंने इसे फ्राई कर लिया है और गुलाब जामुन का कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। आप देख सकते हो एक एक गुलाब जामुन जो है कितना परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद में तुरंत इसे चाशनी में डालना है। थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर रोक के रखेंगे इस तरीके से ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे कढ़ाई में चला जाए और इसके बाद में हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में नहीं डालेंगे इसे और अच्छे से डुबो देंगे चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जो है इसे मैंने अच्छे से बना करके तैयार कर लिया है, चाशनी के अंदर डाल दिया है और सेम तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन भी बना लेंगे। तो उसी तरीके से गुलाब जामुन डालने से पहले तेल घी को जो है हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एक एक करके गुलाब जामुन डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने चम्मच से इसे पलट दिया है हल्का सा नीचे से पकने पर। जो गुलाब जामुन हमें चाशनी में डाला है उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे चाशनी के अंदर ढक करके। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कितने टेस्टी हमारे गुलाब जामुन जो है बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं, आप इसे एक बार ज़रूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।